कानपुर में मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित ने अपने जेवर रखकर कोर्ट लोन लिया था। वहीं लोन अदायगी पर कंपनी ने नकली जेवर वापस किए। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कमिश्नर ने एसीपी नजीराबाद को जांच सौंपी है। आपको बताते चले कि बीती 27 फरवरी को जवाहर नगर निवासी करुणेश ने 80 फीट रोड स्थित मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड में कोर्ट लोन लिया था, जिसके एवज में उन्होंने सोने की चूड़ी, चैन और अंगूठी रखी थी। तो वहीं पीड़ित का आरोप है कि लोन चुकाने पर मणपुरम कंपनी द्वारा जो जेवरात वापस मिले वो नकली निकले। शक होने पर उन्होंने जेवरात की जांच कराई तो 25% सोना, बाकी पीतल निकला। आज मेरे सामने दो लोग पेश हुए जिन्होंने मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर आरोप लगाए कि उन्होंने अपनी पत्नी का गोल्ड रखकर और लोन लिया था। फिर लोन का जब पैसा वापस देने के लिए वो गए तो उनको उससे मिलती जुलती चीज़ उनको वापस दी गई, और जब जाके उन्होंने सुनार को दिखाया उन चीज़ों को तो वो नकली थी, उसमें सिर्फ 25% गोल्ड था। तो ये मुझे अभी आधा घंटे पहले इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, मेरे द्वारा एसीपी नजीराबाद को इसकी जांच दे दी गई है। जांच के अंदर जैसे तथ्य आएंगे और अगर घटना सत्य है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मणपुरम गोल्ड लोन में हम लोग अपना सोना रख के गोल्ड लोन लिया था, जो हमारा ये जो हमने इसको छुड़ाया है तो ये डुप्लीकेट निकला, जिसमें 25% हमारा सोना था और बाकी पीतल था। आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब से शिकायत करी है, आश्वासन ये मिला है कि हमको उन्होंने ये बोला है कि हम इस चीज़ की निष्पक्ष जांच कराएंगे, तो हम यही चाहते कि हमारी निष्पक्ष जांच हो और हमको न्याय मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT